सो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन सी इज दैट इफ वी टेक अ फूड व्हिच इज रिच इन द लाइम जूस देन द एक्शन ऑफ टाइलिन ऑन स्टार्चेस तो यहां पे ये कहा गया है कि अगर हम इस तरीके का फूड इनटेक करते हैं जिस जो फूड कैसा है रिच इन लाइम जूस यानी उस फूड में बहुत सारा लाइम जूस है जैसे कि अगर हम नॉर्मली और लाइम सोडा वगैरह ऐसे कुछ जूसेस भी ड्रिंक करते हैं राइट जिनमें जिनमें लाइम हो का, मतलब जिन नींबू का रस यूज किया जाता हो तो ऐसे कुछ फूड अगर हम इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे पे टाइलिन क्या इफेक्ट होगा दैट इज ऐसे फूड का टाइलिन पे क्या, क्या एक्शन होने वाला है सो एक्शन ऑफ टाइलिन ये जो टाइलिन है उसका एक्शन किस पे बोला गया है टाइलिन का एक्शन ऑन स्टार्च क्या होगा मतलब टाइलिन स्टार्च पे किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करेगा ये हमें पूछा गया है तो बेसिकली जो भी हम लाइम जूस वाला फूड इंटेक करते हैं हमें है लाइम जूस इज हाउ माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड है एक माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड है यानी कि हार्ड ऑर्गेनिक एसिड नहीं है माइल्ड है ऑर्गेनिक एसिड जिससे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड ऑल्सो सो तो ये जो सिट्रिक एसिड है बेसिकली जब हम ये समझो इंटेक करते हैं किसी भी तरीके से किसी भी फूड के हेल्प से कंज्यूम करते हैं तो उससे जो टाइलिन का जो स्टार्च पे जो फंक्शन है एक्शन है वो क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है क्यों रिड्यूस हो जाता है अब लाइम जूस है वो पीएच क्या कर देता है लो कर देता है इट इज साइट्रिक एसिड बट इस तरीके का एसिड है दैट विल लोअर्स दी एच लोअर्स द पीएच सो इसीलिए कभी भी किसी को एसिडिटी भी हो जाती है तो उसको लाइम जूस दिया जाता है ताकि उसका एसिड जो है स्टमक का वो कम हो जाए सेम दैट इज अ थिंग कि जब इस तरीके से लाइम जूस वाला कोई भी फूड हम इंटेक करते हैं अभी कोई भी ड्रिंक लेते हैं जिसमें लाइम जूस हो तो उससे क्या हो जाता है ये ये क्या कर देता है जो पीएच है वो रिड्यूस कर देता है माउथ में भी एंड स्टमक में भी जो पीएच होगा वो क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा एंड जब एक बार पीएस पीएच रिड्यूस हो गया तो उसकी वजह से टाइलिन का स्टार्च पे होने वाला जो एक्शन है वो भी क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा सो दट्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन सो आई होप यू गट द आंसर वेरी वेल थैंक ऑल द बेस्ट